कैराना सीट को लेकर पता चली सबसे बड़ी बात। बीजेपी वालों के उड़ने वाले हैं होश। क्या जयंत अभी भी अखिलेश के साथ हैं? सपा प्रत्याशी का बहुत बड़ा दावा। सपा ने यूपी की कैराना सीट से जिन्हें प्रत्याशी बनाया, अब उनका एक बयान सुनकर बीजेपी वालों के होश उड़ने वाले हैं। इधर जयंत चौधरी के एनडी में जाने की खबरें लगातार चलती रहीं और उधर बीजेपी लगातार खुशियां मनाती रही, लेकिन अब सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने वो बताया है जिसे सुनकर शायद बीजेपी वालों को झटका लग सकता है। दरअसल सपा प्रत्याशी इकरा हसन का एक बयान खूब सुना जा रहा है। उन्होंने एबीपी नेटवर्क से बात करते हुए कैराना सीट को लेकर अखिलेश जैन के बीच की वो बात बता दी है जिसे लोग जानना चाहते थे। सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने बयान दिया है कि बीजेपी के खिलाफ यूपी की कैराना सीट से उनका नाम अखिलेश यादव को सजेस्ट करने वाले जयंत चौधरी ही थे। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी चाहते थे कि आरएलडी के टिकट पर वो कैराना सीट से चुनाव लड़े। इकरा हसन ने चुनाव के लिए उनका नाम अखिलेश तक पहुंचाने के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा है कि मेरा नाम खुद जयंत जी ने सबसे पहले पेश किया था, तो उसके लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया, ये जो आभार मेरे दिल में उनके लिए है, ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक गठबंधन के पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझ में विश्वास जताया था और मेरा नाम आगे उन्होंने ही किया था लोकदल के सिंबल पे, तो मैं तो दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। वहीं इकरा हसन ने सपा आरएलडी गठबंधन और अखिलेश जैन के रिश्ते को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश व जैन के बीच में बेहतर संबंध है। इकरा ने सपा आरएलडी गठबंधन पर बयान देते हुए कहा कि गठबंधन अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन जी, अखिलेश जी, आपस में बहुत अच्छी इनकी तालमेल है और बातचीत है। अभी भी कोई बयानबाजी दोनों तरफ से नहीं आई है एक दूसरे के बारे में विपरीत, और ना आएगी, क्योंकि देखिए राजनीति है, गठजोड़ बनते हैं और बिखर भी जाते हैं, लेकिन आपसी तालमेल नहीं बिगड़ते हैं, जो आपस का सम्मान रहता है वो बरकरार है। और अभी औपचारिक घोषणा जैन जी ने नहीं करी है, हो सकता है वापसी हमारी तरफ ही हो जाए। इकरा हसन के इस बयान के बाद बीजेपी वालों की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बातें हो रही हैं कि जयंत चौधरी अब एनडीए के हो गए हैं, हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी इकरा हसन का ये कहना कि कैराना से उनका नाम आगे बढ़ाने वाले जयंत ही हैं। इकरा हसन के बयान के बाद ये सवाल तो बनता है कि क्या जयंत चौधरी सच में अखिलेश और उनकी पार्टी के साथ हैं? क्या जयंत अखिलेश को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं? दोनों के गठबंधन को लेकर बातें तो बहुत हैं, पर असलियत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इकरा हसन के बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर बताएं।